हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आपको अगर सेटअप दिख रहा होगा, आज थोड़ी इंटरनेशनल और डिफरेंट रेसिपी है। आप लोगों ने कैफेज में या फिर रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में आप लोगों ने देखे होंगे कि आजकल एक नया जो रेसिपी हो रहा है, जो फेमस हो रहा है, ट्रेंडिंग हो रहा है, विच इज कॉल्ड एज बाओ। आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों ने उसके बारे में सुना भी होगा। इट्स लाइक हमारा, जैसे अगर आप महाराष्ट्र से है, यू नो उकड़ीचा मोदक, जो हमारे उकड़ीचा मोदक यानी स्टीम्ड हमारे जो मोदक होते हैं, उसी तरीके से। बस ये थोड़ा अलग है क्योंकि ये है चाइना से। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या है। तो बाओ जो है एक्चुअली ओरिजिनेट हुआ है चाइना से। इट्स काइंड ऑफ अ डो जिसे आप बोल सकते हैं, जिसे मोमो की आउटर लेयर होती है उसी तरीके से, बट थोड़ा डिफरेंट, थोड़ा फर्मेंटेड होता है। तो ये देखिए, आप सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या क्या यूज़ किया हमारे बाओ के इसके लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये है मेरा बाओ का जो डो होता है ना, आटा जिसे बोलते हैं। ओ माय गॉड, देखिए कितना सॉफ्ट और एकदम स्पंजी हो गया है। तो देखिए, ये बनाने के लिए मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या किया है मैंने। तो सबसे पहले मैंने इसमें एक बड़े से बोल में हमने लेना है 100 ml वाटर, ठीक है। उसमें मैंने डालना है 1 tablespoon यीस्ट, ड्राई यीस्ट डालेंगे हम लोग। और उसको एक्टिवेट करने के लिए विल ऐड शुगर, यानी शुगर भी 1 tablespoon ही डालेंगे। उस चीज़ को पूरा मिलाने के बाद हम लोग एक दूसरे बोल में 1/4 cup मैदा और 1 cup मैदा ऐसे धीरे धीरे डालेंगे। एंड उसके बाद हम लोग ये जो हमारा पानी वाला और यीस्ट वाला मिक्सचर है उसमें डालेंगे, अलॉन्ग विथ 1 tablespoon ऑफ ऑयल। और इसको आराम से मिलाएंगे क्योंकि यीस्ट हमको एक्टिवेट करना है। और इसी तरीके से देखिए, ये मेरा डो बना लेंगे। और डो को हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे कवर कर लेंगे। एक तो आप क्लिंच रैप से कर लीजिए या फिर कोई वार्म प्लेस पे आप 40-45 minutes रख दीजिए, ताकि ये देखिए कितना स्मूद हो जाएगा। और उसको थोड़ा सा हाथ से आप डो से ऐसे कर भी दीजिए, देख लीजिए आप यहाँ के, कि इसको हमने गूंदना है अच्छे से। देखिए आप इसका टेक्सचर देख सकते हो, बाकी आटे से बहुत डिफरेंट है। और ये मैंने बताया आपको इसलिए क्योंकि इसको मैंने जैसे 45 minutes पहले बना के रखना है। मैं फिर से एक बार बता देती हूँ कि हम लोगों ने मैदा लिया है, पहले 1 cup मैदा और उसके बाद 1/4 cup ऑफ मैदा। देखिए आप कप के हिसाब से आप देख लीजिए, ये देखिए मेरे पास जैसे 1 cup है मेजरिंग कप, ये पूरा 1 cup और उसके बाद 1/4 cup ऐड और करना है। उसके बाद फिर उसको हम लोगों ने थोड़ा सा जो 100 ml वाटर है और यीस्ट और शुगर के मिक्सचर के साथ मिलाना है। एंड इस तरीके से हमारा आटा या फिर डो जो है बाओ का बना के रखना है। एकदम देखिए, एकदम मैंने ऑयल भी नीचे लगाया था ताकि स्टिक ना हो और एकदम फ्लफी है। यू कैन सी, अगर मैंने फिंगर्स डाले तो ये बाउंस बैक हो रहा है। तो आप आराम से इसको देख लीजिए। तो देखिए अब मेन चीज पे आते, इसको हम लोगों ने गोल ऐसे, देखिए जिसे बोलते हैं ना, एक ऐसे छोटा सा लेना है, इसको थोड़ा सा मैदे में अच्छे से घोलना है। एंड इसकी ऐसी छोटी छोटी, जैसे आप पूरी का जैसे आटा जैसे छोटा छोटा आप लेते हैं छोटे पूरियों का, उस तरीके से लेना है। एंड आफ्टर दैट हम लोग ने, जैसे आपकी फुल एक ऐसी रोटी होती है छोटा सा, इसको आप सेमी फोल्ड करना है, मतलब जैसे हमारा हाफ सेमी सर्कल होता है वैसे फोल्ड करना है। एंड ऑन टू दैट उसके बाद हम लोग उसको स्टीम कर लेंगे। तो देखिए स्टीम के लिए मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले ऐसी जो है छन्नी, इसको हम लोग ने अच्छे से तेल लगा लेना है। और उसके ऊपर जैसे अभी अभी तो मैं आपको डेमो दिखा रही हूँ कि इसको हम लोग क्या करेंगे, मैदे में घुला के अच्छे से इसका, देखिए ऐसा शेप अच्छे से हाथ से भी दे सकते हो, या फिर आपको अगर प्रॉपर शेप देना है तो आप इसको चकला बेलन से भी कर लेना। और उसके बाद इसको इस तरीके से जैसे फोल्ड होता है हमारा, देखिए ऐसे फोल्ड, ठीक है, ऐसे फोल्ड करके इसको स्टीमर में रख देना है। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, नीचे एक कढ़ाई जैसे मैंने किया, नीचे एक कढ़ाई लेके ऊपर ये छन्नी रख दी देनी है। एंड इसी तरीके से इसको हम लोगों ने 10 से 12 मिनट करना है टू गेट आर बाउज। नाउ यू विल से कि इतने सारे स्टेप्स है और सब कुछ है, लेकिन मैंने पहले इसलिए करके रखा है क्योंकि देखिए ये टाइम कंज्यूमिंग है थोड़ा सा। आप देख सकते हो ये बाओ मेरे
इसको मैं आराम से आपके सामने ही खोल रही हूँ। एंड वाओ, देखिए कितना सुंदर, और ये कुक भी हो चुके हैं अच्छे से। मैंने इसको 10-12 मिनट रखा है, और ये देखिए सॉफ्ट है, कितने सॉफ्ट है। और ये थोड़ा सा मैंने इसमें चावल का आटा भी डाला था थोड़ा सा, ताकि ये हेल्दी भी हो, तो इस वजह से ये कलर है। अगर आपको एकदम जैसे रेस्टोरेंट में व्हाइट कलर चाहिए उस तरीके से चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा व्हाइट कलर डाल सकते हो, बट आई वोंट रेकमेंड दैट। तो ये हमारे बाव के बंस बन गए हैं। तो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर फिलिंग। यहाँ देख लीजिए, अब मैंने कढ़ाई ले ली है, एंड इन केस किसी ने लेट ज्वाइन किया है तो आप थोड़ा सा बता सकते हो, मैं आपके लिए दोबारा रिपीट कर दूंगी। बट दिस इज अ वेरी यूनिक रेसिपी। नाउडेज अगर आप रेस्टोरेंट्स में, हाई एंड रेस्टोरेंट्स में जाएंगे, आपको हर जगह यही दिखेगा कि पीपल आर ऑर्डरिंग बाव। नाउ बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि बाव वियतनामीज भी हो सकता है, बट इट्स एक्चुअली ओरिजिनेटेड फ्रॉम चाइना। तो ये देखिए, थोड़ा सा गैस हम लोग गर्म होने देंगे। इफ़ यू वॉन्ट यू कैन ऐड अ बिट ऑफ बटर टू इट, लेकिन मेरे ख्याल से हम लोग देखिए ये थोड़ा गर्म हो रहा है, और गर्म होने देंगे। नाउ लेट्स ऐड आवर फाइनली चॉप्ड अनियन। ये मैंने एक प्याज, बड़ा प्याज लिया है, ठीक है, और इसको बहुत बारीक काट लिया है मैंने, क्योंकि हमारा जो फिलिंग है ना, एकदम छोटा छोटा होना चाहिए। साथ ही मेरे पास जिंजर गार्लिक पेस्ट है, इसको हम लोग अच्छे से होने देंगे। तब तक आप देख लीजिए यहाँ पे, ये देखिए मैंने अपना अमूल का ताज़ा मलाई पनीर लिया है, जो हमारे इसमें जाएगा। तो ये मैं इसको अच्छे से कट कर लेती हूँ ताज़ा पनीर को। वाओ, हम लोग थोड़े पीसेस इसके इस तरीके से करेंगे। वाओ, हमारा मलाई पनीर, नो वन बेटर देन दैट। तो ये आप देख लीजिए, थोड़े इवन कर लीजिए चॉप। आई एम नॉट सो गुड एट आर्टिस्टिक थिंग, बट आई थिंक दिस वुड बी इट। अगर आपको और छोटे छोटे टुकड़े चाहिए होंगे तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। ये देखिए हमारा प्याज इतने अच्छे से हो गया है जिंजर गार्लिक के साथ। अब इसमें हम लोग डालेंगे थोड़े से ग्रीन चिली, विल ऐड आवर चॉप्ड टमेटोस, थोड़े से ही डालेंगे हम लोग। हल्का सा सोया सॉस डालेंगे, बिकॉज ऑफ कोर्स थोड़ा सा चाइनीज है, ऑथेंटिक चाइनीज है, तो थोड़ा सोया सॉस तो बनता है। वाओ, लवली, देखिए क्या अच्छा कलर आ गया है इसमें। हम लोग अभी हमारा अमूल का पनीर डालेंगे, मलाई पनीर। वाओ, सो ब्यूटीफुल एंड हेल्दी। अगेन आप लोग इसमें चाहे तो इसमें आप मशरूम डाल सकते हो, या फिर और भी चीज़ें, लेकिन मलाई पनीर एकदम परफेक्ट रहेगा। इसमें प्रोटीन भी जाएगा अच्छी खासी क्वांटिटी में। ये देखिए, ये मेरे पास है थोड़ा सा शेजवान सॉस, वो मैं डालूंगी, थोड़ा सा ही डालूंगी मैं। दैट वुड बी इट। और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। गैस धीमा कर लेंगे, नमक डाल देते हैं इसमें। वाओ, देखिए इतनी अच्छी
ताजी ताजी फीलिंग है। इफ यू वॉन्ट यू कैन एड अ बिट ऑफ ऑरेगानो, मैं थोड़ा सा ऑरेगानो डाल रही हूँ, अपना ट्विस्ट डाल रही हूँ। वैसे चाइनीज में ऑरेगानो नहीं डालता है, बट दैट्स माई ट्विस्ट, थोड़ा सा। ये देखिए हमारी फिलिंग भी रेडी हो चुकी है। इसको मैं गैस अब बंद कर देती हूँ और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे हम लोग। मीनवाइल आप फिर से हमारे बाओ के यहाँ पे देख लीजिए, बाओ बंस जो हमने घर पे बनाए हैं, मैंने आपके सामने बताया कि कैसे कैसे होता है और इतने सॉफ्ट, देखिए इट्स सो सॉफ्ट। मैंने जैसे बताया आपको कि इसका जो आटा है इसको 45 मिनट्स पहले हमको बना के रखना पड़ता है। उसके बाद आटा बनाने के बाद जैसे पूरी का आप जैसे लेते हैं शेप, अपने जितना पाम जितना उतना ही लेना है और इसको जैसे हाफ ऐसे फोल्ड करके ही हमारे स्टीमर में ऐसे तेल लगा के रख देना है। 10 से 12 मिनट के बाद आपको दिख ही जाएगा कि कुक हो गया है, एंड दैट्स व्हाट यू विल गेट हमारे बाओ। ठीक है, बाओ बन बोल लेंगे इसको हम लोग। एंड आई होप आपको ये एफर्ट अच्छा लग रहा होगा, बिकॉज आई एम प्रिटी श्योर अमूल पे तो अभी तक किसी ने बाओ वगैरह नहीं दिखाया है। एंड बाकी भी बहुत इंटरनेशनल रेसिपी है तो लोग उसे पसंद कर रहे हैं, बहुत लोग इसको घर पे ट्राई नहीं कर रहे हैं, तो आई होप आप लोग इसके बाद घर पे ट्राई करेंगे इसको। तो ये मैं थोड़ा सा आराम से इसको प्लेट में रख के, थोड़ा सा गर्म है क्योंकि हमारी फिलिंग, देखिए आहा ये अच्छे से रख देंगे। मैं एक एक भर देती हूँ, मैं बताती हूँ क्यों। इसको ये देखिए एक और ले लिया मैंने, ठीक है ये तो भर दिया मैंने अच्छे से फुल एकदम। ये भी ले लूंगी, थोड़ा सा इसको कम भरूंगी ताकि जो है ये देखिए दो बन गए हैं। एक मेन इंग्रेडिएंट मैं लाती हूँ यहाँ का, वाह। तो देखिए ये फिलिंग को मैं थोड़ा सा साइड में हटा देती हूँ। लेट्स टेक अ प्लेट। अगर देखिए आपके पास वो स्टैंड होते हैं यूजुअली जैसे टाको पे, जो टाको आपको पता होगा जैसे टाको या फिर चालू पास, जैसे मैंने रिसेंटली ये सारी चीजें दिखाई है। मैं एक और मैं करती हूँ, एक काम करती हूँ एक और ले लेती हूँ, एक और मैं फिलिंग भर के लाती हूँ, तब तक आप ये देख लीजिए। ये देखिए ओ माय गॉड लुक सो स्टनिंग, ऐसा लग भी नहीं रहा कि ये घर पे बनाया है, देख लीजिए आप। और ये अपने आप स्टैंड हो रहा है, मतलब अपने आप खड़े रह रहा है खुद पे ही। इफ यू वांट यू कैन ऐड स्प्रिंग अनियन, लेकिन देखिए सीजन नहीं है स्प्रिंग अनियन का, तो हर जगह ढूंढा मैंने बट मिला नहीं। तो इफ यू कैन ऐड अ बिट ऑफ लेट्यूस या फिर कैबेज जो होता है हमारा, कैबेज डाल सकते हो, यानी पत्ता गोभी, उसको अच्छे से धो के है ना उसका पत्ता। थोड़ा सा हम लोग ऊपर से सेसमे सीड्स डालेंगे जस्ट बिकॉज कि ये थोड़ा सा ना परफेक्ट। आप देख लीजिए कितना सुंदर बना है, कोई बता सकता है कि इतना टेस्टी और इतना अच्छा आप घर पे कैसे बनाते हो।
तो आई होप आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। मेरा एफर्ट भी देखे इसके पीछे, क्योंकि इसमें स्टेप्स ज़्यादा है। आपको पहले आटा गूंदना पड़ता है, उसको फर्मेंट करने के लिए 45 मिनट्स रखना पड़ता है, उसकी फिलिंग बनानी पड़ती है, उसको स्टीम करना पड़ता है। तो ये आप लोगों ने अभी रेस्टोरेंट में सुना ही होगा, आई एम श्योर आप लोगों ने देखा होगा कि बाओ का बहुत ट्रेंड चल रहा है। तो प्लीज़ लेट मी नो आपको ये रेसिपी कैसी लगी, कमेंट डाउन कि आपको और कौन सी नई रेसिपीज़ देखनी है। हमारे बापा आ रहे हैं अभी परसों, आई एम मोर देन हैप्पी, हम लोग बहुत खुश है। तो बापा के लिए और कौन सी रेसिपीज़ देखनी है वो भी ज़रूर बताइएगा। आज की रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। आई विल सी यू गाइज वेरी सून, बाय, टेक केयर। थैंक यू सो मच आदित्य जी, थैंक यू सो मच मिस्टर जरीवाला जी, थैंक यू अपर्णा जी, एंड हेलो मधु जी, थैंक यू सो मच। यस मधु जी, ऑफ कोर्स मैंने जैसे आज भी आपको बताया कि मैंने एंटायरली मैदा नहीं यूज़ किया, मैंने चावल का आटा यूज़ किया है इसके बदले में। तो आप वैसे भी कर सकते हो, चावल का आप आटा भी यूज़ कर लीजिए इसके साथ, जैसे मैंने कंबाइन करके कर लिया है, विच वुड बी मच मोर हेल्दियर। तो देखिए क्या परफेक्ट बना है, एकदम सुंदर, जैसे बाहर कोई रेस्टोरेंट से ही ऑर्डर किया है। सो आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। बाय बाय।